राज्यर तीन जिला रे हटिला सप्ताहांत शटडाउन बदलिला नाइट कर्फ्यूर समय सेप्टेम्बर मास पई नुवा गाइडलाइन जारी कले राज्य सरकार आसंता सेप्टेम्बर मास पई कोरोना कटकणा को कोहळ करिसेंती राज्य सरकार तीनोटी जिला रे जारी रहितबा सप्ताहांत शटडाउन को हटाई देइसेंती सरकार ए जिला गुडी को हेला भुवनेश्वर कटक एवं पुरी सेपरि नाइट कर्फ्यू समय रे मध्य परिवर्तन करा जायछि। राज्य स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप्त जेना कहिसेंती जे एडी की राती 10टा रु सकाळ 5टा पर्यंत समस्त पौरांचल रे रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहिबो। सेपरि राज्यर सबु स्थान रे सप्ताहांत शटडाउन को उठाई दिया जायछि। पूर्वरु राती 8 रु नाइट कर्फ्यू अवधि आरंभ होइतबा बेले एई समय को राती 10टा को घुंचाई देइछेंती सरकार। अर्थात सेप्टेम्बर मास रे राती 10टा रु सकाळ 5टा पर्यंत रहिबो रात्रि कालीन कर्फ्यू। सकाळ 5टा रु राती 10टा जाय खोली पारिबो समस्त मॉल एवं दुकान बजार। कोविड कटकणा सह राज्यर थिबा फिल्म हॉल थिएटर आदि खोली पारिबो। राज्यर थिबा सूचना केन्द्र पाठागार गुडीको खोलिबाकु अनुमति दिया जायछि। सेप्टेम्बर मासरे प्रदर्शनी एवं वाणिज्य मेला को बारण करा जायछि। तेबे धार्मिक एवं राजनैतिक समावेश उपरे कटकणा जारी करा जायछि। विवाह व्रतघर अंत्येष्टि क्रियारे सर्वाधिक 250 लोक जोग दे पारिबे। विवाह शोभायात्रा रे सर्वाधिक 50 लोक एकत्रित होई पारिबे। क्षमता प्राप्त अधिकारी को अनुमति क्रमे ए सब कार्य करा जाय पारिबो। तबे आगुकु पार्वण ऋतु थिबारु गत अगस्त 9 रे घोषित गाइडलाइन अनुसारी पूजा पार्वण आयोजन करा जाय पारिबो बोली एसआरसी कहिछन्ती। एणकि सेप्टेम्बर मासरे राज्यर कोनोसी जगारे सप्ताहांत शटडाउन रहिबो नाही, जोटा कि आगर भुवनेश्वर कटक एवं पुरी सहर रे लागू करा जायथला। एबे सारा राज्यरे कोनोसी सहर हो बा ग्रामांचल रे हो कोठी वीकेंड शटडाउन रहिबो नाही बा सप्ताहांत शटडाउन रहिबो नाही। केवल सारा राज्य रे जते पौरांचल अछि से पौरांचल मानकरे प्रत्येक दिन रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 घटिका ठारु सकाळ 5 घटिका पर्यंत बलवत्तर रहिबो। समस्त धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक सामाजिक सब समावेश उपरे कटकणा लगा जायथिला। एबे मध्य सेप्टेम्बर मास मध्य एही समस्त धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक ओ सामाजिक समावेश उपरे कटकणा जारी रहिबो। एही समय रे माने सेप्टेम्बर मासरे प्रदर्शनी वाणिज्य मेला मेला महोत्सव इत्यादि मध्ये बारण करा जायछे। तबे एई जो सेप्टेम्बर मासरे समस्त प्रेक्षालय ओ सम्मेलन कक्ष जो ऑडिटोरियम सब अछि कॉन्फ्रेंस हॉल अछि सेठी ऑफिशियल मीटिंग मध्ये कोविड गाइडलाइन अनुसार चली परिबो। सेबडे राज्य रे आसंता डिसेंबर सुधा सरीबो टीकाकरण। जदि टीका आसीबारे कोनोसी समस्या न हुए 4 मास मध्ये रे टीकाकरण शेष हेबो। राज्य रे टीकाकरण जारी रहिछि। वर्तमान टीका रे किछि समस्या नाही। वर्तमान सुधा 2 कोटी 20 लाख डोज टीका दिया जाय सारिछि। प्रथम डोज 1 कोटी 66 लाख एवं द्वितीय डोज 53 लाख लोक नै सारिछन्ति। मोट 54% प्रथम डोज दिया जायछि। कोविशील्ड रु 28 लाख 54 हजार एवं कोवैक्सीन 4,54,000 टीका महजूद रही बोली सूचना देखते परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। जो मानक द्वितीय डोज टीका नेबार अच्छी प्राथमिकता भितर देवाई जिला गुड़ी को निर्देश दि जाएगी। शिक्षक और द्वितीय डोज लोक प्राधान्य दि जाऊँगी। केते शिक्षक टीका ने जिला को तथ्य मगा जाएगी। सेप्टेम्बर 5 सुधा शिक्षकों टीकाकरण शेष हेब। केवल शिक्षकों टीका देवाई किसी स्वतंत्र केन्द्र कर राज्य 1400 केन्द्र में टीकाकरण चली 1,00,000 गर्भवती टीकाकरण करजय पाणिग्राही। सेपटे शिशु संक्रमण नहीं से प्रतिक्रिया रखिंट प्रथम लहर में 8% शिशु संक्रमित होते द्वितीय लहर में जुलाई सुधा 10% शिशु संक्रमित होते। आम राज्य टीकाकरण कार्यक्रम ठीक भाव चालू रही बर्तमान टीकार कौन असुविधा नहीं सीरींजर भी कौन असुविधा नहीं सब समाधान हो सारी बर्तमान आम पाखे पर्याप्त परिमाण में टीका अच्छी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन उभय टीका अच्छी। आम बर्तमान सुधा 2,20,000,000 डोज टीका दे सारू तार भितर 1,66,00,000 फर्स्ट डोज और 53,00,000 हूँ सेकेंड डोज तार अर्थात आम 54% आम बेनिफिशियरी जो अच्छे अलरेडी गोटे डोज टीका आम दे सारू एवं सेकेंड डोज टीका जो मानक बाकी अच्छी से देवाई बर्तमान समस्त जिला को निर्देश दिखाई बर्तमान जी टीका दि जाने सेकेंड डोज को गुरुत्व देवे शिक्षक मानकर अणशिक्षक कर्मचारी जो स्कूल मानक अच्छे से गुरुत्व देवे जमी शिक्षक मानक टीकाकरण आम सेप्टेम्बर 5 सुधा जमी
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କଟକଣା କୋହଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହରର ଆସିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।